वेलकम बैक टू आवर चैनल MCQs अडा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते कि हमने एक MCQ सीरीज स्टार्ट की है इस चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है MCQs ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे पहले हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पे वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहेवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमिजिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी संथाल रेबलियन, ऑप्शन सी इंडिगो रिवोल्ट, ऑप्शन डी पबना डिस्टर्बेंसेस। तो फ्रेंड्स, आपको 5 सेकंड मिलेंगे, आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए तब तक। तो अब हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर को चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ इंडिगो रिवोल्ट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंडिगो रेबलियन वाज अबाउट, जो इंडिगो रेबलियन था ये किसके बारे में था। तो ऑप्शंस में हम पढ़ेंगे, ऑप्शन ए द पीजेंट्स नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड, ऑप्शन बी द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, ऑप्शन सी इज द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्ट टेबल, ऑप्शन डी है अ प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट कैरीड एंड इंडिगो कलर्ड फ्लैग। तो हमें बताना है कि जो ये इंडिगो रिबेलियन था ये किसके बारे में था। तो ऑप्शंस हमने पढ़े इस क्वेश्चन के, तो आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर को अब देखेंगे। राइट आंसर इज The peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was not acceptable. तो इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट, तो इसका राइट आंसर है द पीजेंट इज नॉट वॉन्टिंग, ऑप्शन सी द पीजेंट इज वॉज नॉट वॉन्टिंग टू ग्रो इंडिगो बट बींग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। यहाँ पर द क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नील दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नील दर्पण रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। जो नील दर्पण है ये एक बुक है, इसको लिखा गया है मिजरेबल कंडीशन जो इंडिगो फार्मर्स है उनके बारे में इस बुक को लिखा गया है। तो हमें बताना है, क्वेश्चन है कि नील दर्पण का ऑथर कौन था, तो वही हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए दीन बंधु मित्रा, ऑप्शन बी बनकिम चंद्रा चटर्जी, ऑप्शन सी इज शरत चंद्रा चटर्जी, ऑप्शन डी इज रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हमें बताना है कि जो ये नील दर्पण है इसका ऑथर बुक है ये, तो इसका ऑथर कौन है। तो आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं, यहाँ पर आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दीन बंधु मित्रा, ऑप्शन ए। जो ये बुक नील दर्पण है तो इसका ऑथर है दीन बंधु मित्रा, इसी ने ये बुक लिखी है जो कि इंडिगो फार्मर्स पर लिखा गया है इस बुक को। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग मेड सन्यासी रिबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग्स, किस ने जो सन्यासी रिबेलियन था ये किसने फेमस की है अपनी
राइटिंग राइटिंग से किसने, जो ऑप्शंस है इनमें से बताना है किसने इसको फेमस बनाया है अपनी राइटिंग से। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ दीन बंधु मित्रा, ऑप्शन बी इज़ बंकिम चंद्रा चैटर्जी, ऑप्शन सी इज़ शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी इज़ हरिश्चंद्रा। तो हमें बताना है इसका राइट आंसर। तो आपको यहाँ पर 5 सेकंड मिल रहे हैं, तो आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो अब हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बंकिम चंद्रा चैटर्जी। जो ये सन्यासी रिबेलियन है इसको फेमस किया है बंकिम चंद्रा चैटर्जी ने अपनी जो राइटिंग से, उससे उसने इस सन्यासी रिबेलियन को फेमस किया है। तो आप ये याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द कंपोजर ऑफ एस कोंग वंदे, सॉरी ये क्वेश्चन है हु वॉज द कंपोजर ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम। जो वंदे मातरम है तो उसको किसने कंपोज किया है, उसने किसने उस सॉन्ग को बनाया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इज़ रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी इज़ सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इज़ बंकिम चंद्रा चैटर्जी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हम चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, बंकिम चंद्रा चैटर्जी। तो ये वंदे मातरम सॉन्ग सॉन्ग जो है यहाँ पर मिस प्रिंट है ये, तो इसको कंपोज किया है बंकिम चंद्रा चैटर्जी ने वंदे मातरम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर। द थीम ऑफ बंकिम चंद्रा चैटर्जीज फेमस नावल आनंद मौत इज़ बेस्ड ऑन। जो थीम है बंकिम चंद्रा जी, उसकी एक नावल है, उस नावल का नाम है आनंद मौत। तो वो किस थीम पर बेस्ड है, हमें बताना है वो किस थीम पर बेस्ड है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज़ छोरा रिवोल्ट, ऑप्शन बी इज़ रंगपुर एंड दिनजपुर रिवोल्ट, ऑप्शन सी इज़ विष्णुपुर एंड वीर भूमि रिवोल्ट, ऑप्शन डी इज़ सन्यासी रिवोल्ट। जो नावल आनंद मौत है वो किस थीम पर बेस्ड है, तो हमें बताना। वो जो ये आनंद मौत है ये नावल है बंकिम चंद्रा चैटर्जी की, तो हमें बताना है किस थीम पर वो बेस्ड है। तो ऑप्शन हमने इस क्वेश्चन का हमने पढ़ लिया है, तो आप राइट आंसर अपना दे सकते हैं। 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं। तो राइट आंसर हम अब हम इसका चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, सन्यासी रिवोल्ट। जो ये आनंद मौत है ये सन्यासी रिवोल्ट थीम पर बेस्ड है। और ये याद रखना है यहाँ पर कि जो ये आनंद मौत है इसका जो ये ऑथर था वो था बंकिम चंद्रा चैटर्जी। इसकी फेमस नावल है ये आनंद मौत। तो ये सन्यासी रिवोल्ट पर इसका थीम बेस्ड है, ठीक है। तो राइट आंसर हम इस क्वेश्चन का पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कुका मोमेंट वॉज फाउंडेड इन। जो ये कुका मोमेंट है ये कहाँ पर इसको फाउंडेड किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ पंजाब, ऑप्शन डी इज़ महाराष्ट्र। तो कहाँ पर ये कुका मोमेंट फाउंड किया गया है। तो आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं, आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अब हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी पंजाब इज़ द राइट आंसर। कुका मोमेंट वॉज फाउंडेड इन पंजाब, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कुका मोमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। किसने ये ऑर्गेनाइज़ किया है कुका मोमेंट को। तो
तो हमें पहले ये याद रखना है कुका मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन पंजाब। तो अब क्वेश्चन है किसने ये कुका मूवमेंट, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी इज़ गुरु गोबिंद सिंह। तो कुका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो आपको यहाँ पर 5 सेकंड मिल रहे हैं, तो आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो अब हम इसका राइट आंसर फ्रेंड्स चेक करेंगे यहाँ पर। आई होप आपने आंसर दिया है। तो राइट आंसर इज़ गुरु राम सिंह, ऑप्शन सी। तो कुका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु राम सिंह, और ये कुका मूवमेंट जो है ये पंजाब में इसको फाउंड किया गया है बाय गुरु राम सिंह, ऑर्गेनाइज इसने किया है। तो वही, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु लेड द संथाल रेबलियन। तो संथाल जो रेबलियन था वो किसने इसको लेड किया गया है, किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज यानी फाउंड किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी इज़ मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन सी इज़ शिबू सोरेन, ऑप्शन डी इज़ सिद्धू एंड कन्हू। तो इसका, इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 5 सेकंड मिल रहे हैं, तो आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर को चेक करेंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर इज़ सिद्धू एंड कन्नू, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो जो ये सेंथाल रिबलन है ये सिद्धू एंड कन्नू ने इसको लेड किया गया है, इसके द्वारा इसको फाउंड किया गया है। तो इन दो, ये दो अलग अलग नाम है, सिद्धू एंड कन्नू। तो आप, आपने अपना आंसर दिया होगा आई होप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ट्राइबल लीडर इज नोन एज धरती आबा फादर ऑफ वर्ल्ड। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शंस हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। फ्रेंड्स ऑप्शन ए है जिरिया भगत, ऑप्शन बी इज़ कन्नू सन्याल, ऑप्शन सी इज़ रूप नायक, ऑप्शन डी इज़ बिरसा मुंडा। तो आई होप आप, आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कहीं पे, तो ये आपको इसका आंसर पता होगा, तो आप अपना आंसर इस कमेंट बॉक्स में अपना दे सकते हैं। तो इसका आंसर राइट है बिरसा मुंडा, जो ये एक ट्राइबल लीडर था बिरसा मुंडा। तो इसको धरती आबा कहा जाता था, फादर ऑफ वर्ल्ड बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट एक था, तो हमें बताना है कि उसका लीडर कौन था। ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी इज़ बिरसा, ऑप्शन सी इज़ कन्नू, ऑप्शन डी इज़ तिलक मांझी। तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा क्योंकि इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम अब हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर को चेक कर से करेंगे। तो ऑप्शन बी इज़ बिरसा, तो बिरसा मुंडा उसी ने अपने नाम पर ये रिवोल्ट बनाया है, तो वही इस रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट के लीडर भी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। जो इवेंट है इनको हमने कंसीडर करना है, देखना है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम इनको करना है, ठीक है। तो पहला है इंडिगो रिवोल्ट, दूसरा है संथाल रेबिलियन, तीसरा है डेक्कन राइट, और जो फोर्थ है वो है मिटनी ऑफ सिपाइज। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 4213। तो अब अगर हम देखेंगे इस ऑप्शन को, ऑप्शन ए को, तो पहला है मिटनी ऑफ सिपाइज,
दूसरा है टू सेंथल रेबेलियन, तो पहला है इंडिगो रिवोल्ट, तो थर्ड है डेकन राइट्स। तो ऐसे ही ये ऑप्शंस में हमें चेक करना है कि पहले कौन, पहला कौन आता है तो उसके बाद कौन आएगा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अपने तरीके से किया होगा। तो राइट आंसर आप कमेंट में बॉक्स में आप दे सकते हैं, तो हम भी इस राइट इसका राइट आंसर चेक करेंगे यहाँ पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2, 4, 1, 3। तो पहला है 2, 4, 1, 3। पहला इसमें आता है सेंथल रेबेलियन, दूसरा है फोर्थ म्यूटिनी ऑफ सिपाइज, तीसरा है पहला इंडिगो रिवोल्ट और थर्ड है डेकन राइट्स। तो ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं सेंथल रेबेलियन, म्यूटिनी ऑफ सिपाइज, इंडिगो रिवोल्ट एंड फोर्थ इज डेकन राइट्स। तो आई होप आपने किया होगा, तो आप राइट आंसर दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोपा रिवोल्ट ऑफ 1921 टू प्लेस इन, जो ये मोपा रिवोल्ट था तो ये कहाँ पर हुआ है, 1921 पे हुआ था ये, तो किस हमें बताना है किस जगह पे हुआ था ये। ऑप्शन ए इज कश्मीर, ऑप्शन बी इज बंगाल, ऑप्शन सी इज केरला, ऑप्शन डी इज असम। तो राइट आंसर अब हम करेंगे इसका चेक। राइट आंसर इज केरला, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पॉपुलर मोमेंट्स ऑकर्ड आफ्टर 1857। तो हमें बताना है कि जो पॉपुलर मोमेंट्स थे आफ्टर 57 वो कब हुए थे। तो पहला है सेंथल रेबेलियन, दूसरा है इंडिगो रेबेलियन, तीसरा है डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट राइट्स, फोर्थ इज बिरसा मुंडा अपराइजिंग। तो हमें बताना है ये सीक्वेंस में हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमें बताना है। तो ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन 2, 3, 1। तो इनमें से हमें बताना है वही जो आफ्टर 1857 पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर पहले चेक करेंगे। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर 2, 3, 1। इंडिगो रिवोल्ट ये 1857 के बाद हुआ था, डेक्कन एग्रीकल्चरिस्टस राइट्स ये भी 1857 के बाद हुआ था, और फोर्थ बिरसा मुंडा अपराइजिंग ये भी 1857 के बाद हुआ। तो यहाँ पर सेंथल रेबेलियन है जो 1857 से पहले हुआ था। तो ये क्वेश्चन था, तो हमने इसका आंसर देखा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर वायर वाज द फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, जो पहला मदरसा हमें बताना है पहला मदरसा ब्रिटिश के द्वारा कहाँ पर इंडिया में सेटअप किया गया है। तो ऑप्शंस हमारे पास है ऑप्शन ए इज़ मद्रास, ऑप्शन बी इज़ बम्बई, ऑप्शन सी इज़ अलीगढ़ एंड ऑप्शन डी इज़ कलकत्ता। हमें बताना है कि फर्स्ट मदरसा कहाँ पर सेटअप किया गया है ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिल रहे हैं, तो आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर को आप चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ कलकत्ता, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो पहला मदरसा कलकत्ता में सेटअप किया गया है ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाई, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमें बताना है किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया है इनमें से। तो ये सब
जिचर्स थे ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस ए इज सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी इज विल्किन्स, ऑप्शन सी इज मैक्स म्यूलर एंड ऑप्शन डी इज जेम्स प्रिंसिप। तो आई होप कि आप सबको पता है कि ये किसने फाउंड किया है इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। तो आपको 5 सेकंड मिल रहे इस क्वेश्चन के लिए, तो आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अब हम इसका राइट आंसर यहां पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स ने। तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टेब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने एस्टेब्लिश किया है कोलकाता में, तो हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए इज सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी इज विल्किन्स, ऑप्शन सी इज मैक्स मूलर एंड ऑप्शन डी इज वेलेस्ली। तो राइट आंसर आप दे सकते हैं, आपको 5 सेकंड मिल रहे इस क्वेश्चन के लिए, आप दे सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज वेलेस्ली, वेल ऑप्शन डी वेलेस्ली इज राइट आंसर। तो इसने फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में जो है उसको एस्टेब्लिश किया है। चलिए फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। जो ऑप्शंस हैं इनमें से किस इंग्लिशमैन ने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ विलियम जोन्स, ऑप्शन बी इज़ चार्ली विल्किन्स, ऑप्शन सी इज़ अलेक्जेंडर चिनिगम एंड ऑप्शन डी इज़ जॉन मार्शल। हमें बताना है कि किसने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए भी 5 सेकंड मिल रहे, तो आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर इज चार्ली विल्किन्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चार्ली विल्किन्स ने, जो एक इंग्लिशमैन था, उसने पहले भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश। जो फॉलोइंग जो ऑप्शंस है इनमें से किसने कालिदासाज की जो फेमस वर्क है उसकी जो शकुंतला उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ चार्ली विल्किन्स, ऑप्शन बी इज़ हेनरी कोलीब्रुक, ऑप्शन सी इज़ जॉन वोल्फगैंग वॉन गोटी, ऑप्शन डी इज सर विलियम जोन्स। तो आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो हम भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहां पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स ने जो कालिदासा की फेमस वर्क था शकुंतला उसको ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश में, उसने सर विलियम जोन्स ने इसको ट्रांसलेट किया है, याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है तो इंडिया में। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिशिस्ट कंट्रोवर्सी, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबो। तो हमें इसका राइट आंसर देखना है, जिसने
इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। तो ऑप्शंस हमने इस क्वेश्चन के पढ़ लिए, तो अब इसका राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो। तो इन सब ने जो ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए बी एंड ऑप्शन सी, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में, तो इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर चार्लीज वुड्स डिस्पैच वॉज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो चार्लीज वुड्स डिस्पैच आपने सुना होगा ये बहुत बार, तो ये किस रिलेटेड था? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज़ एजुकेशन, ऑप्शन बी इज ट्रेड, ऑप्शन सी इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स एंड ऑप्शन डी इज़ मिलिट्री रिफॉर्मर्स। तो हमें बताना है कि जो चार्लीज वुड्स डिस्पैच था ये किस रिलेटेड था। तो ऑप्शंस हमने इसके पढ़ लिए, तो आपको मिल रहे 5 सेकंड, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो हम इसका राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज एजुकेशन, ऑप्शन ए। चार्लीज वुड्स डिस्पैच जो था वो एजुकेशन के रिलेटेड था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इन एंड इन विच ईयर। तो हमें बताना है कि पहला जो एजुकेशन कमीशन था इंडिया में, किसने अपॉइंट किया है और किस ईयर में। तो ऑप्शंस ए है हमारे पास लॉर्ड रिपन इन 1882, लॉर्ड विलियम वडरबर्न इन 1885, ऑप्शन सी इज़ लॉर्ड कर्जन इन 1905, ऑप्शन डी इज़ लॉर्ड लेटन इन 1880। तो राइट आंसर आप दे सकते हैं, 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं। तो अब हम इसका राइट आंसर यहां पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज लॉर्ड रिपन इन 1882। तो लॉर्ड रिपन को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, तो 1882 में। तो लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन किया है 1882 में, तो ये याद रखना है, लॉर्ड रिपन इन 1882 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया वॉज द हंटर कमीशन विच वॉज एस्टेब्लिश बाय लॉर्ड रिपन इन 1882 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर। स्पेशल एम्फेसिस वॉज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। तो पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना है। हमने ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा है वो था लॉर्ड रिपन ने एजुकेशन जो फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन उसको उसी ने एस्टेब्लिश अपॉइंट किया गया है उसके द्वारा लॉर्ड रिपन। तो जो ये क्वेश्चन है ये बोल रहा है द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया वॉज हंटर कमीशन। जो हंटर कमीशन था वो लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में उसको एस्टेब्लिश किया है। तो उसने किसके अंडर चेयरमैनशिप के शिप में, वो था सर विलियम हंटर। सो उसी के नाम पर उस कमीशन का नाम रखा है हंटर कमीशन। तो सर विलियम हंटर, स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। तो उस जो हंटर कमीशन था ये एक एजुकेशन कमीशन था, तो किस पे ज़्यादा इसने ज़ोर दिया है इस कमीशन ने, किसको डेवलप मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट करना है किस सेक्शन को एजुकेशन सिस्टम में। तो पहला ऑप्शन है गर्ल्स एजुकेशन, तो दूसरा है ऑप्शन बी हायर एजुकेशन, एंड ऑप्शन सी ऑप्शन इज़ प्राइमरी एजुकेशन, एंड ऑप्शन डी इज़ टेक्निकल एजुकेशन। तो जो हंटर कमीशन है इसने ज़्यादा किस पे जोर दिया है, किसकी डेवलपमेंट इस पे ज़्यादा इसने काम किया है, तो ऑप्शंस
हमने पढ़े। अब इसका राइट आंसर हम चेक करेंगे, उससे पहले आपको 5 सेकंड मिलेंगे तो आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर इज़ प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है उस टाइम सर विलियम हंटर जो उसके चेयरमैनशिप के अंडर जो ये था एक मिशन, तो ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन पे जोर उसको डेवलप करने में जोर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें बताना है सैडलर जो कमीशन है वो किस रिलेटेड में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि हंटर कमीशन था एजुकेशन के रिलेटेड, तो ऐसे ही सैडलर कमीशन हमें बताना है सैडलर कमीशन किस रिलेटेड में था। तो ऑप्शन ए इज़ जुडिशरी, ऑप्शन बी इज़ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी इज़ एजुकेशन। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। ऑप्शन डी इज़ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें बताना है कि सैडलर कमीशन इन ऑप्शंस में किसके रिलेटेड था। तो आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं, आई होप आपने आंसर दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। तो अब हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज एजुकेशन। तो ये भी एजुकेशन के रिलेटेड था